नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ पल्लवी और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी खट्टी मीठी कद्दू की सब्जी रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही टेस्टी बनता है। इस सब्जी को बनाने के लिए मैंने प्याज लहसुन का यूज नहीं किया है। जो लोग प्याज लहसुन खाना पसंद नहीं करते हैं और आसानी से घर पर बनाकर खा सकते हैं। इस सब्जी को मैंने कम मसाला के साथ बनाने वाली हूँ, तो आप इस रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई करें और मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक के बटन क्लिक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए खट्टी मीठी कद्दू की सब्जी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। खट्टी मीठी कद्दू की सब्जी बनाने के लिए मैंने लिया 700 ग्राम के करीब कद्दू। इसे ऐसे धोकर छिलका निकाल दिया, उसके बाद इसे ऐसे ही थिक पीसेस में काट लिया है। आप चाहे तो छिलका के साथ भी काट सकते हैं। तो आप चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने दें। तो आप इस सब्जी को बनाऊंगी मैं मस्टर्ड ऑयल में, यानी कि सरसों का तेल में। यहाँ पर मैंने 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है। तेल को अच्छे से गर्म होने दें। तेल जैसे गर्म हो जाता है इसके अंदर डाल देंगे 1 टीस्पून मेथी दाने, 1 पिंच के करीब हींग, 2 इंच कद्दूकस हुआ अदरक, 2 बारीक कटा हुआ हरी मिर्ची। सारे चीज़ों को अच्छे से मिला दे और इसे हमने कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे, ताकि अदरक का जो कच्चा स्मेल रहती है वो अच्छे से निकल जाए। तो मसाला अच्छे से भून चुका है, तो आप इसमें डाल रहे हो चॉप किए हुए कद्दू। मसाले के साथ अच्छे से मिला दे। और इसे हमने 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। तो 1 मिनट के बाद हमें करना है गैस का फ्लेम लो। आप इसमें जा रहा है 1/3 स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्ची का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। सारे चीज़ों को अच्छे से मिला दे और गैस का फ्लेम लो ही रखना, ताकि हमारा जो मसाला हो जले ना जाए। तो आप देख सकते हैं हमारा मसाला जो है वो अच्छे से कोट हो चुका है। तो आप इसमें डाल रहे हो पानी, ग्रेवी आप आपको पसंद अनुसार रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1/2 कप पानी डाल दिया है। इसे अच्छे से मिला दे। तो आप इसे ढककर 5 से 7 मिनट लो फ्लेम पे कुक कर लेंगे। 5 से 7 मिनट के बाद ढक्कन हटाया मैंने, मिला दे अच्छे से। तो आप देख सकते हैं कद्दू जो है वो थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है। तो आप इसमें जा रहा है 1 टीस्पून गुड़, आप चाहे तो शुगर भी डाल सकते हैं, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता, मिला दे अच्छे से। तो आप इसे ढककर 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पे कुक कर लेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद ढक्कन हटाया मैंने, इसे मिला दे अच्छे से। तो आप देख सकते हैं हमारा कद्दू की सब्जी बनकर तैयार है। अब हमें करना है गैस का फ्लेम ऑफ और इसे सर्विंग बोल में निकाल देंगे।
तो देखिए हमारा कद्दू की सब्जी तैयार है, कितना बढ़िया लग रहा है ना। ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ता के साथ गार्निश कर देंगे ताकि ये देखने में और भी अच्छा लगे। तो आप इस सब्जी को घर पर जरूर ट्राई करें। आप इसे रोटी, चपाती, पूरी या फिर प्लेन राइस के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है। और कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। आई थिंक कद्दू की सब्जी आपको आई है पसंद। अगर पसंद है तो आप वीडियो के नीचे लाइक के बटन जरूर क्लिक करें। और अभी तक मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।